Navjeet Kaur Dhillon, hailing from a family of sportspersons, always wanted to make a career in sports. Her father JS Dhillon is a government employee and a shot put player. Her mother Kuldeep Kaur has been a professional hockey player and elder brother Jasbir Singh is also a shot put player. For Navjeet, her mother's 1986 Asian Games bronze medal was the inspiration that motivated her to work hard. But, despite her mother's insistence on taking hockey, Navjeet chose an individual sports where she could make a name for herself without any bias, as she claims her mother went through during her playing days. अगर मेडल की बात की जाए तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी क्योंकि जैसे मेरी ये पहली कॉमनवेल्थ गेम्स थी और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा और बूस्टअप भी मिला काफ़ी इस मेडल से मुझे, लेकिन थोड़ी सी निराशाजनक रही मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके, जो मैंने ग्राउंड में बेस्ट करी थी उतनी दे नहीं पाई, लेकिन फिर भी मेडल लेना बहुत बड़ी बात है ऐसी गेम्स में, तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ को लेके मैं। देखिए अगर आपके साथ एथलीट अच्छा हो और वो सीनियर आपका सीनियर अच्छा हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने मतलब जैसे ट्रेनिंग में और इवन की कंपटीशन के अंदर भी उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और मतलब एक ही बात बोली कि अगर तू अपना बेस्ट करेगी तो तू टॉप थ्री में आ सकती है, तो मैंने सिर्फ वही चीज़ को लेके और अपना बेस्ट किया और मेरे मेडल मिला। जी बिल्कुल, मेरे जो मदर हैं वो खुद 86 की एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, तो वो जैसे एक हमारे घर में एक इंस्पिरेशन ही थी हमारे लिए, एक टारगेट रहता था हमेशा, एक उनका मेडल हम हमेशा सामने रखते थे कि ये हमारा एक टारगेट है, हमें इसे क्रॉस करना है। और फिर मेरे जो फादर हैं वही मेरे कोच हैं, तो वो खुद सैफ गेम्स के मेडलिस्ट रहे हैं शॉट पुट में, और मेरा ब्रदर भी सैफ गेम्स में मेडलिस्ट है 2016 का, वो भी शॉट पुट करते हैं, तो फैमिली में ही काफ़ी इंस्पिरेशन थी, फादर से इंस्पिरेशन मिली। मैंने अपनी गेम ही अपने ब्रदर को देख के स्टार्ट की क्योंकि उनको जब उनके मेडल आते थे मुझे बहुत बूस्टअप मिलता, उनको देख के मुझे अच्छा लगता था और हमेशा यही रहता था कि मतलब मुझे भी मेडल लेना है। नहीं जैसे मतलब हमें खुद को बहुत इंटरेस्ट था, कभी घर वालों ने फोर्स भी नहीं किया कि आप स्पोर्ट्स करो, हमें खुद ही बहुत इंटरेस्ट था। मेरे मदर ने हमें एक दो बार हॉकी के लिए फोर्स नहीं, हमें कहा कि आप हॉकी ट्राई कर लो, लेकिन टीम गेम को लेके हमें उनके साथ खुद बहुत पार्शियलिटी होती रही, तो हम वो नहीं चाहते थे, हमें था कि चलो अगर हमें कुछ करना ही है तो हम इंडिविजुअली एक गेम करें जिसके अगर हम हारते हैं तो किसी और के ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते, और अगर हम जीतते हैं तो अपनी खुद की मेहनत से जीतते हैं। एक्सपेक्टेशंस रहेंगी काफ़ी लोगों की, जैसे अभी मैं देख रही हूँ क्योंकि जैसे इंडिया वापस आई तो लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, और उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी मुझसे ज़्यादा क्योंकि मैं अभी जूनियर हूँ, तो मतलब अच्छा कर रही हूँ, तो बिल्कुल प्रेशर रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। मैं जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स इन्जॉय करी, मतलब मोस्टली मैंने प्रेशर नहीं लिया क्योंकि मुझे था कि मुझे मेडल लेना, लेकिन प्रेशर में नहीं आई मैं। जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स इन्जॉय करके मेडल ली, मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं एशियन गेम्स भी ऐसे इन्जॉय करके अपना मेडल लेके आऊँ। मेरा मेन टारगेट रहेगा कि मैं अपने मेडल को बेटर करूं, और मोस्टली मेरा टारगेट है कि अभी मैं गोल्ड लेके आऊं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गोल्ड के लिए अपने आप को रेडी प्रिपेयर करूं। यू कांट से दैट नॉट दैट मच टफर, लेकिन हाँ मतलब कंपटीशन एक सा रहेगा, जैसे वहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया की लड़की थी शी इज़ वन साइडेड क्योंकि वो थी ही अच्छी, तो उस हिसाब से अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो चाइना की लड़कियां होंगी दो अच्छी और शायद एक दो लड़कियां और हो, लेकिन कंपटीशन बिल्कुल पास पास का रहेगा, लाइक मतलब जैसे आप मेडल की होप लगा सकते हो कि 3-4 मीटर का गैप नहीं आएगा, लेकिन कुछ सेंटीमीटर से या कुछ 1 मीटर से मेडल के चांसेस रहेंगे वहाँ।